टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड जेम्सी की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर डैनियल आज परमेश्वर के पवित्र वचन में से कुछ आयतों को पढ़कर वचनों को पढ़कर उन पर मनन करेंगे, उन पर विचार करेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है और क्या मनन करने के लिए कहता है। आज हमारा टॉपिक है पति पत्नी के बीच में प्रेम। परमेश्वर ने पति और पत्नी को क्या किया है? एक बनाया है। तो परमेश्वर ने इनको एक आज्ञा दी है कि पति और पत्नी जो है वो क्या रहें? प्रेम में रहें, ना कि अलगताई में रहें, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को जोड़ा है। एक पति जो है वो अपनी पत्नी से क्या चाहता है? कि उसकी पत्नी जो है वो उसे प्यार करे, उससे प्रेम करे, चाहे वो किसी भी देश की है या किसी भी रंग की है। और एक पति जो है वो अपनी पत्नी से क्या चाहता है? एक पति अपनी पत्नी से प्रेम चाहता है और पत्नी अपने पति से रिस्पेक्ट चाहती है, इज्जत चाहती है, चाहे वो किसी भी रंग के हों, किसी भी देश के हों, किसी भी राज्य के हों, उन सब की चाहत यही होती है। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय पढ़ेंगे, उसका 5 चैप्टर और उसका 22 वचन पढ़ेंगे। हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। मेरे जीजो, परमेश्वर ने इनको क्या करा किया है? इनको एक तन बनाया है, जोड़ा है, जबकि देखने में ये अलग अलग लगते हैं, पर परमेश्वर ने इनको क्या किया है? एक किया है, एक जोड़ा है। ये खास करके वचन जो है ये शादी के पवित्र समय पर, पवित्र जब निकाह होता है तभी ये पढ़ा और सुना जाता है। इसके बाद खुदा के दास भी इस वचन को बहुत कम पढ़ते हैं और कम ही सिखाते हैं, और सुनने वाले भी क्या करते हैं उस वक्त इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको शादी की क्या होती है, जल्दी होती है, कि हम उन्होंने और कई रस्में देखनी होती हैं या और कई काम करने होते हैं, जैसे डीजे पर भंगड़ा वगैरह और कई काम करने होते हैं, पर कह देते हैं कि पादरी साहब, पास्टर जी, आप क्या करें, जल्दी करें। इसलिए ये वचन जो है हमें बहुत ही ध्यान से सुनना और सीखना चाहिए। आज मेरे जिजो, आज मेरे प्रियो, हमारे पास समय है कि हम इस पवित्र वचन को पढ़कर सिर्फ सुने नहीं बल्कि इस पर अमल करें, इस पर मनन करें, और हम परमेश्वर से आशीषों को और बरकतों को प्राप्त करें जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और समय ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। मेरे जीजो, मेरे प्रियो, ये बड़े अफसोस के साथ बोला जाता है कि आज बहुत सारी पत्नियां हैं जो अपने पतियों के अधीन रहना नहीं चाहती, वो अपने पतियों को अपने अधीन करना चाहती हैं। पर ये वचन के, ये पवित्र बाइबल के उल्टा है मेरे जीजो। अगर हम परमेश्वर के वचन के उल्टे चलेंगे तो कभी भी कोई आशीष या बरकत प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना जुर्री और ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देही के समान प्रेम रखे। हालेलुया। मेरे जीजो, जैसे मैंने पहले बताया है, मेरे प्रियो, मैंने बताया है कि हर पत्नी जो चाहती है अपने पति से प्रेम चाहती है, रिस्पेक्ट चाहती है, और हर पति जो अपनी पत्नी से क्या चाहता है, वो भी प्रेम चाहता है, वो भी प्यार चाहता है। पर बड़े दुख के साथ कहा जाता है कि आज
प्यार कहीं खो गया है, कहीं खत्म हो गया है। ये कैसे हुआ है? क्योंकि हम इस वचन को, परमेश्वर के पवित्र कलाम को, परमेश्वर की आवाज को ध्यान से पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है और खास करके इस पर मनन नहीं करते। मेरे जीजों, मैं एक खास प्रार्थना करता हूँ हर वक्त, और हर एक मनुष्य को ये खास प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी हम परमेश्वर का पवित्र कलाम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे सुनने वाले अच्छे कान दे और समझने वाला मुझे मन दे और मनन करने वाला दिल दे। फिर ही अब इस वचन के मुताबिक चल सकते हैं और परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं, परमेश्वर से आशीषों और बरकतों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मेरे जीजो, आज मैं आपसे कुछ 8 बातें शेयर करना चाहता हूं। इन बातों को अगर आप सुनेंगे और अपने मन में रखेंगे, अपने दिल में रखेंगे और इस पर मनन करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि वो बरकतें, वो स्वर्गीय बरकतें और वो संसारिक बरकतें परमेश्वर आपको देगा, जो कई सालों से आपने मन में रख छोड़ी है, सोच रखी है, पर आज तक नहीं मिली। अगर आज इन 8 बातों को आप अपनी जिंदगी में मनन करेंगे और इनके अकॉर्डिंग चलेंगे, इस वचन के मुताबिक चलेंगे, तो वो बरकतें, वो आशियां आपको जल्दी ही मिलने जा रही है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। और वो 8 बातें मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली जो बात है वो क्या है? कभी भी अपने जीवन साथी की आलोचना ना करें। आलोचना क्या है? बुराई ना करें। आज बहुत सारी पत्नियां हैं जो अपने पति की क्या करती हैं? आलोचना करती हैं, अपनी पड़ोसन के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, किसी के साथ। बहुत सारे पति हैं जो अपनी पत्नी की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। मेरे जीजो, परमेश्वर ने 2 तन जोड़कर 1 तन बनाया है, और अगर हम अपने जीवन साथी की बुराई करते हैं तो हम खुद किसकी बुराई करते हैं? हम अपनी बुराई करते हैं, ना कि किसी दूसरे की बुराई करते हैं, हम खुद अपनी बुराई करते हैं। इसलिए कभी भी बुराई मत करें। और दूसरा जोड़ बात है, दूसरी बात है वो क्या है? झूठ ना बोलें। पहली क्या थी? आलोचना ना करें। दूसरी बात, झूठ ना बोलें। आज जब पत्नी फोन करती है, हाँ जी आप किधर हैं जी, बिट्टू के पापा, मिंटू के पापा आप किधर हैं? अगर भाई साहब जहां भी हो वहां से वो झूठ बोल देते हैं, मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, चाहे वो और किसी जगह पर हो, वो चाहे ठेके पर बैठे हो, बोलेंगे मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं काम पे हूँ, जब मैं इस जगह पे हूँ। मेरे जीजा, हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। जिस काम में आप लगे हुए हैं, जो कर रहे हैं, आपको हमेशा अपने जीवन साथी से सच बोलना चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी विवाहिता लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एक झूठ छिपाने के लिए हमें बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, सिर्फ एक झूठ छिपाने के लिए। हालेलुया। और दूसरी बात है, झूठ मत बोले अपने जीवन साथी से। और तीसरी बात है, संदेह ना करें। संदेह क्या है? शक मत करें। आज बहुत सारे लोगों को शक की बीमारी लगी हुई है, चाहे वो पत्नियां हैं या वो पति हैं, क्योंकि हर बीमारी का इस दुनिया में इलाज है, पर शक का कोई भी इलाज नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है। अगर कर सकता है मेरे जीजो, तो परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर का पवित्र कलाम कर सकता है, अगर इसे हम अपने दिल में रखेंगे। आज बहुत सारी फैमिलियां शक की वजह से बर्बाद हो जाती हैं, बहुत सारे तलाक हो जाते हैं, बहुत सारी मैरिड लाइफ में अच्छी मैरिड लाइफ चल रही होती है, पर बहुत सारे दुख आ जाते हैं, बहुत सारी परेशानी आ जाती है, क्योंकि हमारे अंदर शक आ जाता है, हमारे अंदर संदेह आ जाता है। चौथी जो बात है, दूसरों के साथ तुलना मत करें। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन साथी की दूसरों के साथ तुलना करते हैं। पति कहेंगे वो पड़ोसी की पत्नी कितनी सुंदर है, उसकी शादी को 5 साल हो गए, वो अभी भी कितनी गोरी है, वो अभी भी कितनी सुंदर है, उसका शरीर आज भी कितना फिट है, और तुम कैसी हो गई हो। पत्नी कहती है उसका पति उसे 10,000 का सूट लेके देता है, उसे 5,000 का सूट लेके देता है, उन्होंने नई कार ली है। मेरी बहनों, हमें हमेशा याद करना चाहिए कि उसका पति 20,000 कमा रहा है या 50,000 कमा रहा है, तुम्हारा पति थोड़ा कमा रहा है। इसलिए जितना कमा रहा है उतने में खुश रहो, उतने में संतुष्ट रहो। और मेरे भाई, जो तुम्हें
परमेश्वर ने पत्नी दी है, क्योंकि वचन में लिखा है जिसको पत्नी मिली उसे अच्छी वस्तु मिली। तो परमेश्वर ने अच्छी वस्तु दी है तो आपको संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे की पत्नी की तरफ देखकर कभी भी हमें ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको दिया है वो दुनिया का बेस्ट है। अगर आपको आप पत्नियां हैं तो जाओ आपको पति दिया है मेरे साथ, जरूर इस बात को आप मनन करें, प्रभु मुझे जो तुमने पत्नी दी है वो दुनिया की बेस्ट पत्नी है। और जो पति है वो भी प्रभु को हाजर नाजर जान कर के, प्रभु जो आपने मुझे पत्नी दी है वो दुनिया की बेस्ट पत्नी है। अगर मेरे चीजों ये बातें आपके अंदर होंगी, ये सोच आपकी होगी, तो सारी मुश्किलें परेशानियां समस्याएं जो आपकी जिंदगी में है वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर चली जाएंगी। क्योंकि पहली बात ना थी आलोचना ना करें, झूठ ना बोले, संदेह ना करें, दूसरों के साथ तुलना ना करें, कभी भी अपने जीवन साथी की दूसरों के साथ तुलना ना करें, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बेस्ट दिया है, सारी दुनिया से बेस्ट बढ़ के दिया है, इस पर विश्वास करना है। और पांचवी बात है अपने पर कभी भी घमंड ना करें। अगर पत्नी खूबसूरत है, पति नहीं खूबसूरत, उसे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर पत्नी कमा रही है, पति नहीं कमा रहा, तो उसे कभी भी अपनी कमाई पर घमंड करना नहीं चाहिए। अगर पति कमा रहा है, पत्नी नहीं कमा रही, मेरे जीजो अगर पति कमा रहा है, आजकल बहुत सारे पत्नियों को घमंड होता है, मैं कमाता हूँ, मैं जैसे मर्जी खर्च करूँ, तू मुझे कहने वाली टोकने वाली कौन होती है, क्योंकि उन्हें मान होता है, उन्हें अहंकार होता है कि मैं कमाता हूँ, ये मुझे कहने वाली कौन है। पर मेरे जीजो परमेश्वर ने आपको क्या करा है, एक तन बनाया है, साथ में जोड़ा है आपको। पहले आप अलग अलग दो थे, पर आप एक हैं, क्योंकि उसका पूरा हक बनता है, उसका कमाई पर भी हक है और आपके ऊपर भी हक है, पत्नी पर भी पति का हक है। अगर एक मारा है तो दूसरे को कभी भी उसे नीचा दिखाना नहीं चाहिए, किसी बात पर घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि घमंडी लोगों से परमेश्वर को ज्यादा नफरत है, बहुत ज्यादा परमेश्वर घमंडी लोगों से नफरत करता है। और पांचवी बात ही घमंड ना करे। और छठी बात है एक दूसरे की गलती को बारम्बार मत छेड़े। हम गलतियों के पुतले हैं, गलती कर सकते हैं, अनजाने में या जानबूझ के हमसे गलती हो जाती है, पर अगर हम उसी गलती को लेकर बैठ जाएंगे, बारंबार छेड़ेंगे, तो हमारे घर में लड़ाई होगी, झगड़ा होगा और हमारी मैरिड लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगी। किसी के अगर कोई गलती हो गई है उसको कभी भी मत दोहराएं। मेरे जीजो प्रभु ने हमारे कितने पाप माफ किए हैं, हजारों लाखों पाप माफ किए हैं। कभी किसी को प्रभु ने कहा मैंने तुम्हारे इतने पाप माफ किए हैं, तू इतना पापी था, तू आज बड़ा अच्छा बन गया, आज बड़ा भला मानस बन गया, तू ऐसा था, तू ऐसी थी, तू वैसी थी। मेरे जीजो हमें कभी भी बारंबार अपने जीवन साथी की गलती दोहरानी नहीं चाहिए। अगर कोई फ्यूचर में हो गई है बीते समय में, तो उसे कभी भी फ्यूचर में हमें उसे दोहराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के कलाम के मुताबिक हमें एक दूसरे की गलती को सिर्फ माफ ही नहीं करना, उसे दिल से माफ करना और सदा सदा के लिए भूल जाना, जैसे प्रभु हमारे पापों को माफ करके सदा सदा के लिए उन्हें भूल जाता है, उन्हें समुन्द्र की गहराई में डुबो देता और फिर कभी भी उन्हें याद करता नहीं है। और सातवीं जो बात है अकेले कोई भी निर्णय ना ले। आज पति बोलता है कि मैं कमाता हूँ, मैं ये काम करूंगा, मैं टीवी लूंगा, मैं मोबाइल लूंगा, मैं कार लूंगा, मैं ये करूंगा, तू मुझे कहने वाली कौन होती है, मैं शराब पीऊंगा, मैं जुआ खेलूंगा, तू मुझे कहने वाली कौन होती है। पत्नी कहती है मेरे भाई की शादी है हम वहाँ 20,000 देंगे, मेरी भतीजी की शादी है हम वहाँ 10,000 देंगे, मैं तो ये काम करूंगी। नहीं, मेरे जीजो प्रभु ने आपको एक तन बनाया है, दो नहीं बल्कि आप एक है, इसलिए एक दूसरे की सहमति के साथ चलें, एक दूसरे से सहमत होकर चलें और सलाह के साथ चलें, तो आपकी मैरिड लाइफ कभी भी बर्बाद नहीं होगी, आपकी जिंदगी में कभी भी समस्याएं या परेशानियां नहीं आएगी। प्रभु आपको वो बरकतें देगा, प्रभु आपको वो बरकतें देगा जो आज तक आप सिर्फ तसव्वुर कर रहे हैं, जो आज तक आप सिर्फ सोच रहे हैं, पर आज तक आपको मिली नहीं है। अगर आप एक
मन होकर एक होकर कोई भी निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, तो प्रभु आपको और ज्यादा आशीष और बरकत देगा, आपको दिन प्रतिदिन क्या करेगा, बढ़ाता ही जाएगा। और लास्ट बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना है मेरे बहन भाइयों, विश्वासघात ना करें। जब विश्वासघात होता है, जब किसी का दिल टूटता है, तो इसका दुख सबसे ज्यादा लगता है। एक पत्नी जब अपना घर छोड़ के आती है, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के आती है, पति के नए घर में आती है, और उसका पति जब उसका विश्वासघात करता है, उसे धोखा देता है, तो उसको कितना दुख लगता है। जब पत्नी जिसे वो इतना प्यार करता, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में उसकी सिफत करता है, उसकी बड़ियाई करता है, वही पत्नी पीठ पीछे उसको धोखा देती है, उसके साथ विश्वासघात करती है, तो दिल पर क्या बीती। हम सब ये अनुमान लगा सकते हैं, हम सब ये सोच सकते हैं कि जब दिल टूटता है, जब कोई विश्वासघात करता है, तो इसका दुख सबसे ज्यादा होता है। इसलिए मेरे जीजो, ये 8 बातों को अपनी जिंदगी में लेना है। सिर्फ ये नहीं कि आपने सुन लिया इस वचन को, इसको सुनकर अपने मन में रखें और दिल के साथ इन वचनों पर मनन करें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, चाहे आज आप इस, जब भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, उस वक्त को लिख लें, उस टाइम को लिख रहे हैं, मैं कहता हूँ जो आशाएं आज तक आपको मिली नहीं, जो ख्वाहिशें आज तक आपके मन के अंदर हैं, जो आपकी पूरी नहीं हुई, वो परमेश्वर आपको अभाष्य देने जा रहा है, वो बरकतें देने जा रहा है, आपका समय बदलने जा रहा है, आपकी लाइफ बदलने जा रही है। पर शर्त है कि आपको इन 8 बातों के साथ एग्री होना है और अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहना है, पत्नियों को भी प्रेम से रहना और पतियों को भी प्रेम से रहना, एक साथ मिलके फैसला लेना, इन 8 बातों पर मनन करना है। तो हमने वचन पढ़ा था कि हे पतियों, पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे दीन रहो जैसे प्रभु के। इसलिए पत्नी को भी पति के दीन रहना चाहिए और पति को भी प्रेम के साथ अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान रखे। देह के समान क्योंकि पत्नी क्या है? पति की देह है। पहले आदम को बनाया गया, फिर हवा को बनाया गया, क्योंकि आदम की एक पसली निकाली गई और उसमें से पत्नी बनाई गई। अगर हम अपनी पत्नी को गालियां देते हैं, अपनी पत्नी को बुरा भला बोलते हैं, जब पत्नी बोलती है तो हम अपने शरीर के साथ ही बुरा करते हैं, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का वह माने। परमेश्वर इन वचनों के साथ आपको बहुत सारी बरकत दे, आपको आशीष दे, और ये वचन जो परमेश्वर के पाक कलाम में से पढ़े हैं, सुने हैं, ये आपकी जिंदगी में बहुताई से काम करे। इन वचनों को सिर्फ सुनाना या सुनना ही मेरा मकसद नहीं था, या आपका भी ये मकसद होना नहीं चाहिए। इन वचनों को सुनना है और अपने हृदय में रखना, अपने दिल में रखना है और इस पर मनन करना है, फिर ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, फिर ही आपको आशीष मिलेगी। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं परमेश्वर का दास पास्टर डैनियल एक बार फिर आपको प्रेज द लॉर्ड जेम्सी की कहता हूँ।